अस्सलाम वालेकुम सर। फराज रिकॉर्डिंग करने का बटन दबाना भूल गए थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से। जो सेक्शन ए का लेक्चर हुआ था, एक तरह से मतलब मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों में सेम चीज़ पढ़ाई थी, बट उसमें वो रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गए थे। तो खैर, अच्छा एनिमेशन वाला लेक्चर है और मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बनाया था एक सर्कल, ठीक है। तो मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ थोड़ा सा। अब सर्कल क्या होता है, उसको मतलब मैथमेटिकली हम किस तरह से दिखाते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, उसको जिसको हम सेंटर कहते हैं, और फिर उस पॉइंट से ख़ास डिस्टेंस रेडियस, उस ख़ास डिस्टेंस तक जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सर्कल की बाउंड्री है। जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ उन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, इन अदर वर्ड्स हम उस पॉइंट पर कुछ प्रिंट करेंगे, उस पॉइंट को कलर करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, पेन सेलेक्ट किया। अच्छा, सर्कल ग्राफ पेपर पे कुछ यूँ होता है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, ये उसका सेंटर होता है, और फिर से रेडियस मैंने 5 लिया, तो 5 समझे यहाँ पर बन रहा है। तो ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं होगा, बट ये सर्कल है, ठीक है। और इस अच्छा, अब हर चीज़ के एक इक्वेशन होते हैं, मुझे ये प्लॉट करना है तो उसकी एक अलग इक्वेशन है, ये प्लॉट करना है तो उसकी एक अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो इस सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है जो कि शायद आपने पढ़ी हुई भी, आपको पता भी हो, वो होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर उसका रेडियस, मतलब आर उसका रेडियस है, और एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई पॉइंट, एक्स वाई आपको लग रहा होगा ये सेंटर है, बट एक्स वाई सेंटर नहीं होता, ठीक है। सेंटर होता है इस इक्वेशन में, सेंटर 0 0 है, ठीक है। तो होगा क्या कि असल में ये इक्वेशन ना सेट तभी वैलिड होगी अगर मेरा सर्कल सेंटर पर हो, ठीक है, अगर मेरा सर्कल का सेंटर सॉरी ओरिजिन पर हो, मतलब 0 0 पर हो, बट मेरा सर्कल मैं कहीं पे बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें किसी भी पॉइंट पे सर्कल बनाना आना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन तो सिर्फ उसके लिए है, लेकिन ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कि उसके सेंटर को भी फैक्टर इन करती है, ठीक है। तो जो असल इक्वेशन है ना, असल में आप लोगों ने कैलकुलस में शायद पढ़ा हुआ हो कि एक सेकेंड, हाँ कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि एक इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है और ये समझे इक्वेशन है। तो जो सी है ना, असल में जो एम है वो डिक्टेट करता है कि इसका स्लोप क्या है, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, स्टीप भी हो सकते हैं। जो सी है ना वो डिक्टेट करता है ये वाली चीज़, वाई इंटरसेप्ट। तो अगर यही वाली है ना, ये वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली को मुझे यहाँ बनाना हो, तो वो इसका असल में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं सर्कल को भी अगर मुझे कहीं पर शिफ्ट करना हो ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, वाई की जो वैल्यू, असल में ये वाई है ना, तो एक तरह से मैं वाई को शिफ्ट कर रहा था सी से, क्योंकि असल में वाई में ही प्लस हो रहा है ना ये, तो असल में जो आंसर है मैं उसको शिफ्ट कर रहा था, तो ठीक है। तो अगर मुझे एक्स को शिफ्ट करना हो तो बाय द वे ये होता है कुछ, इधर भी कुछ होता होगा, बट अभी इसको रहने दो। तो इधर मुझे ना इसको शिफ्ट करना है, तो असल में मैं एक्स को भी शिफ्ट करूँगा बाय सम अमाउंट और वाई को भी शिफ्ट करूँगा बाय सम अमाउंट। तो इसकी इक्वेशन होती है, अगर समझो जो सेंटर है ना वो एच और के हैं, ठीक है, सॉरी मुझे इसकी आदत नहीं, अच्छा एच और के है ना। तो इक्वेशन होती है कि एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, उसमें ऑफसेट है, ठीक है, ये जैसे वो सी ऑफसेट था इस तरह से भी ऑफसेट है, प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपना आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब मैं कुछ इस तरह का प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि जो मेरी कंसोल स्क्रीन है ना, वो उस पर हर पॉइंट को देखे, ठीक है, जो कि मेरे एक्स और वाई होंगे, ठीक है, जो कि वसल में रो कॉलम होते हैं, बट मैं एक्स वाई में ही बात करूँगा। सर फराज ने इसको आर और रो कॉलम लिखा था अपने लेक्चर में, लेकिन कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, तो मैं एक्स वाई यूज़ करूँगा, ठीक हो गया, और मैं एच के यूज़ करूँगा ताकि क्लियर हो सब। उसमें वो सेंटर के लिए सी यूज़ करें तो कन्फ्यूज़ होता है। उसके बाद क्या कि मैं हर पॉइंट को चेक करूँगा, मतलब हर एक्स वाई को देखूँगा, और जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली वो वाला पॉइंट है जिस पे लाइक करती हूँ, कि जो ये वाले पॉइंट है ना, ये वो सारे पॉइंट हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो मैं हर पॉइंट को देखूँगा और बोलूँगा जो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, वहाँ पर कुछ प्रिंट कर दो,
तो अब मैं इसको कोट करता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड होगी, ऑब्वियसली उसको कुछ रिटर्न नहीं कराना, और मैं इसका नाम सर्कल रखूँगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आर्गुमेंट्स पास होंगे? एक इसमें पास होगा, एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक ऑब्वियसली उसका रेडियस चाहिए होता है, ठीक है। एक मुझे उसका सेंटर चाहिए कि वो सेंटर क्या है, एच और के कितने। तो एच और के मैंने ले लिया, उसके बाद मुझे उसका रेडियस पता होना चाहिए आर। अगर मुझे एक सर्कल को बताना है कि एक सर्कल कैसा दिखता है, लाइन के लिए मुझे उसका स्लोप बताना है और बताना किधर से शुरू हो रही है, उसका वाई इंटरसेप्ट सी बताना है। एक सर्कल के लिए मुझे बताना है उसका सेंटर किधर है, उसका रेडियस किधर है, और मैं किसी कोई भी मतलब स्पेस में सर्कल डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसलिए इसके आर्गुमेंट सिर्फ यही होंगे, एक्स वाई नहीं देने, क्योंकि एक्स वाई तो मैं चेक करूँगा ना। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे एक लूप लगा देना है एक्स, ठीक है। अच्छा, बाहर में असल में नेस्टेड लूप लगेगा ना, क्योंकि मैं यूँ ट्रेवर्स कर रहा हूँ कि मैं ग्रिड को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, 2D array को, एक तरफ से मेरा कंसोल एक 2D array है, समझ लें। तो जो ये वाली डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल वाली, असल में अंदर वाली, जो अंदर वाला लूप होता है वो हॉरिजॉन्टली चेक करता है, ठीक है, और बाहर वाला वर्टिकली करता है। तो हॉरिजॉन्टली क्या ग्राफ पे होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो मैं एक्स को स्टार्ट करूँगा 0 से, और मैं एक्स को लेके जाऊँगा अपना, मैं एक चीज़ से कर लूँ। अच्छा, लेक्चर में इन्होंने इधर कुछ डिफाइन किया हुआ था, रुके मैं करके लाता हूँ कंसोल की, वो देख लेता हूँ पॉज करके कि उसके डायमेंशन कितनी है। अच्छा, तो मैं देख लेता कि जो इनके पास जो मैंने कंसोल की सेटिंग की हुई थी इस PC पे, उसमें रो कॉलम इतने तक कंसोल के, आप लोग भी अपने हिसाब से देख लेंगे कि कितना होता है। तो ये क्या होगा कि ये रोज तक जाएगा और उसके बाद एक्स प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब ये कि फॉर ईच रो, फॉर ईच एक्स, ठीक है ना, फॉर ईच एक्स, एक सेकेंड, मैंने गलत बोलता, यहाँ पे वाई आएगा, क्योंकि जो बाहर वाला लूप है, जो ऊपर वाला है, वो ट्रेवर्स करता है मेरी रोज़ वर्टिकली ट्रेवर्स करता है। तो वर्टिकल वाले में जो मेरा एलिमेंट होता है वो वाई होता है। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको वाई कर देता हूँ। उसके बाद ये एक्स है, तो एक्स भी 0 से स्टार्ट होगा, और एक्स लेस देन और इक्वल टू जाएगा कॉलम्स, ठीक है, और एक्स प्लस प्लस। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने इक्वेशन दिखाई थी आप लोगों को, ये वाली, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा कि जो भी पॉइंट है जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी ऐसा एक्स है, कोई भी वाई है, कि मैं इसको लेफ्ट साइड पे प्लग इन करूँ तो ये राइट साइड के बराबर आ रहा हो, तो वो पॉइंट मेरे सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है और मुझे वहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इफ कंडीशन लगाता हूँ, और बस ऐसे मैं ब्रैकेट्स डाल लूँ पहले। अच्छा, तो ये होगा मेरा एक्स माइनस एच, और क्योंकि मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, वैसे अगर मैं अपने कंप्यूटर पे कर रहा होता तो स्क्वायर वाला फंक्शन यूज़ कर लेता कुछ भी, लेकिन सरफ आज ने क्लास में ऐसे कराए थे, दो दफ़ा मल्टीप्लाई करा के। तो ये हो गया, उसके बाद वाई माइनस, सॉरी इधर मैंने के क्यों कर दिया, इधर एज करना था, वाई माइनस के, और इधर भी सेम। अच्छा, अब जो ये वाली साइड है, ये लेफ्ट साइड असल में मैंने लिख लिया, और अगर ये सेटिस्फाई कर रही है मेरे, एक काम करते हैं इस आर को कैपिटल कर देते हैं ऐसी, अगर ये आर स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ प्रिंट करना है, राइट। लेकिन प्रिंट करने के लिए पहले मुझे कर्सर को उस जगह पे लेके जाना है, और इसके लिए हमने फंक्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है और इधर भी है। वैसे बाय द वे लिनक्स और मैक वालों को, मैक वाले के पास ये नहीं चलेगा, लिनक्स और मैक वाले के पास, उनको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी एनकर्सिस। अगर किसी को मसला हो तो वो मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा, मेरे पास लिनक्स है। अच्छा, तो अब क्या करना है कि हाँ, मुझे गो टू रो कॉलम यूज़ करना है और कंसोल पे उस जगह पे जाना है, ठीक है। अच्छा, गो टू रो कॉलम का पहला आर्ग्यूमेंट है रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन। तो जो रो है वो वाई होती है और जो कॉलम है वो एक्स होता है, तो मैं दे दूंगा इसको वाई, दे दूंगा एक्स, और मैं इधर चला गया, और इधर जाने के बाद एक सी आउट करा देता हूँ कोई भी कैरेक्टर। अच्छा, सरफराज ने क्लास में ऐसे कराया था कि जो चीज़ सी आउट कराएं, जो कैरेक्टर हैं वो भी इसको पास हो जाए, तो मैं भी पास कर देता हूँ और इसका सिंबल रख लेता हूँ, आप यहाँ पर उसमें सिंबल प्रिंट करा लूँगा। उसके बाद क्या करना है कि मतलब ये प्रिंट हो जाए, तो इसको रन करके दिखाता हूँ।
सर्कल इसका जो सेंटर में रखता हूँ ना, अच्छा इसको सेंटर में मैं चाहता हूँ कि अभी मैं बनाने के लिए चाहता हूँ कि ये वाकई में स्क्रीन के सेंटर पर हो, ठीक है। तो स्क्रीन का सेंटर क्या होता है, रो जितने भी रोज़ हैं उसका आधा और कॉलम का आधा, ठीक है, वो सेंटर होता है। तो मैं करता हूँ रोज़ बाय टू। अच्छा जो एच है ना, एच का ताल्लुक एक्स से है, राइट, और एक्स है कॉलम, तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो असल में कॉलम बाय टू होना चाहिए। हाँ मैं इसका नाम क्या रखा हुआ है, कॉल्स, अच्छा, और दूसरा वाला है मेरा रोज़ होना चाहिए, और जो तीसरा वाला है वो है मेरा रेडियस, तो मैं 50 रेडियस बना देता हूँ। और मैं बनाता हूँ कैरेक्टर सिंबल, तो मैं -37 डालता हूँ, -37 फिल कैरेक्टर होता है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा तो अभी ये इस तरह से आ रहा है, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो अब मसला ये है कि सर्कल सर्कल की शेप में ही है, बट मसला ये है कि पॉइंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं, और वो पॉइंट्स कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ये इक्वेशन है ना, असल में जो इक्वेशन है ना, ये इंटीजर्स के नहीं बनी हुई, मतलब ऑब्वियसली इसमें हम रियल वैल्यू सारी प्लग इन कर सकते हैं, फ्लोट वगैरह प्लग इन कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो इंटीजर्स में कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे फ्लोट क्यों नहीं यूज़ कर देता, सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जो कंसोल है ना उस पे जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट है, वो फ्लोट में नहीं, कि एक एक रो कॉलम है ना, ये नहीं कि मुझे रो 1.2 और कॉलम 1.3 पे ले जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मुझे इसलिए मैं इंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ड्रॉ हो और इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हो, मतलब अभी तो असल में पता क्या होता, इस इक्वेशन को ना काफ़ी कम पॉइंट्स ही सेटिस्फाई कर पाते हैं, क्योंकि जो मेरी वैल्यूज़ है ना कंसोल की वो मतलब पॉइंट्स में नहीं जाती। तो लाइक मेरे पास 80.3 होता है तो वो 80.7 होता है, जो भी मतलब होता है सेटिस्फाई नहीं होता, गेट द पॉइंट। उसके बाद मुझे क्या करना है, असल में मैं चाहता हूँ अभी ये क्या हो रहा है, मैं इस इक्वेशन को ऐसे रीराइट कर सकता हूँ कि एक सेकेंड, मैं इसी में खोल लेता हूँ अगली साइड पे, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि हाँ ये थी ओरिजिनल इक्वेशन के एक्स स्क्वायर, मैं भी एच वाली चीज़ नहीं लिख रहा, आपको पता ही है, वो टाइम बचाने के लिए, इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मैं आर को इस साइड पे लेकर आ सकता हूँ, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब पता क्या है, कि इनका जो डिफरेंस है ना वो ज़ीरो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका डिफरेंस बिल्कुल ही ज़ीरो ना हो, अगर उसके करीब करीब पॉइंट बनता है ना, असल में जो वो चीज़ चेक कर रहे हैं ना, अगर वो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट के करीब करीब है तब भी वो ड्रॉ कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरे पास एग्जैक्ट एग्जैक्ट ड्राइंग पॉइंट तो नहीं आ सकता ना मेरे पास, लाइक वो पॉइंट्स में आते हैं तो मेरा हर पिक्सल वहाँ पे मैप नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर एक्चुअल सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट से थोड़ा करीब करीब होना तो भी बस डन कर दे। इसका मतलब कि जो इनका डिफरेंस है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट ज़ीरो ना हो, मैं चाहता हूँ कि चलो अगर टू या उसके अगर समझो 5 या उससे कम डिफरेंस है ना तो बस ओके कर दो। अब उसके लिए क्या होगा, अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो नेगेटिव भी हो सकता है, लाइक जब वो सर्कल ड्रॉ होते हुए इस साइड पर आएगा तो शायद पॉजिटिव हो, इस साइड पर आएगा नेगेटिव हो, पता नहीं, मैं अभी सोच नहीं रहा, लेकिन कुछ इस तरह का मसला हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस, असल में वही मैं निकाल रहा हूँ कि इनका डिस्टेंस हो, मुझे साइन की नहीं परवाह। तो ये जो ये टर्म है ना, ये वाली, इसको एब्सोल्यूट कर दूंगा, इनका जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट ले ले, और मैं देखूंगा कि अगर ये एक मेरी ख़ास वैल्यू जो कि मैंने सेलेक्ट की होगी, जिसको मैं थ्रेशोल्ड बोलूँगा, कि समझो अभी मैं ऐसी 5 कह देता हूँ, कि अगर उससे कम कम है ना तो फिर कह दे कि हाँ ठीक है सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और अगर इससे कम कम हो ना तो मैं बस उसको ओके कर दूँगा और बोल दो कि हाँ तुम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि वरना फिर सर्कल में कम पॉइंट्स आते हैं। तो अभी जिस तरह से मेरी हुई है ना वो ये है कि अगर इनका डिफरेंस ज़ीरो हो ना सिर्फ तभी ड्रॉ करें, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं एक एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रख लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ, जैसे पहले मैंने 5 ली थी ना,
तो टर्न्स आउट के 5 उतना अच्छा काम नहीं करती है, और मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो ये ट्रायल एंड एरर ही है। बट जो अच्छी वाली वैल्यू ना, तो थ्रेशोल्ड मतलब आप वाले पे डिफरेंट डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये वाली काम करती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बस यूँ ले आता हूँ, माइनस कर देता हूँ इनका जो डिफरेंस है, इनके डिफरेंस का एब्सोल्यूट लेना है मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ओ सॉरी, मुझे वीएस कोड क्या देता है, इसमें सेलेक्ट करो और वो लग जाता है इधर एब्सोल्यूट। इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना, वो मेरे थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। मतलब अगर इक्वेशन सेटिस्फेक्शन का जो पॉइंट है, अगर उसके करीब करीब हो ना, तो बस वहाँ पे जाए और ओके कर दे। अब क्या होगा कि ये हो गया, और मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सरफराज ने क्लास में इसको बड़े अजीब तरीके से किया था, तो अगर सरफराज ही देख रहे हैं तो वो बोलेंगे अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता था। खैर, रन किया, और अच्छा इसको मैं इधर ले आता हूँ आई गेस। अच्छा वैसे कंसोल का मसला है, तो मैं कंसोल की सेटिंग बस करके आया पॉज करके। अच्छा, तो मैंने बस कुछ चेंजेस किए थे, वही कंसोल की सेटिंग्स असल में चेंज की थी। इधर 2 मॉनिटर्स हैं तो थोड़ा मसला होता है ये। और थ्रेशोल्ड मैंने जो पहले 50 का बोला था, वो असल में मैंने उमर के लैपटॉप पे देखा था। अगेन डिफरेंट डिवाइसेस पर डिफरेंट होगा, स्क्रीन साइज़ पर डिपेंड करता है वगैरह वगैरह, शायद रेडियस पे भी करता है। हाँ, रेडियस पे भी करता है, प्रॉब्ली ये किसी रेडियस को फैक्टर करके उसके फॉर्मूले से यूज़ होगा। खैर, तो मैं रेडियस को भी थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि स्क्रीन साइज़ डिफरेंट है 50 के लिए उस लैपटॉप पे, उसके कंसोल की सेटिंग्स के हिसाब से ठीक था। तो खैर, मतलब बस वो मैंने कंसोल से रिलेटेड अपने कोड में चेंज वगैरह किए हैं। तो अगर अब मैं रन करूँ, और हाँ मैंने एक और भी चेंज किया, फिल करेक्टर की जगह ये यूज़ कर लिया, ये थोड़ा ज़्यादा सही से दिखाता है, बाकी कुछ नहीं, एस्ट्रेस यूज़ कर लिया। तो ये सर्कल है, और आप देखें इसमें अब पॉइंट्स प्रॉपरली फिल्ड हैं। जैसे थ्रेशोल्ड लास्ट टाइम एक्चुअल में 0 था ना, तो अगर मैं इसको 0 करता तो इस तरह का बन रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब ठीक है, बट पॉइंट ज़्यादा नहीं है। खैर, इसको वापस 25 कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, लेकिन मसला ये है कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब मेरी स्क्रीन तो अभी कितने की है, 86 बाई 166, और मतलब उसको इतने पिक्सल्स असल में ट्रेवर्स करने हैं। पिक्सल्स नहीं, मतलब वही कैरेक्टर वाली जो भी पोजीशन है, पिक्सल ही कह रहा हूँ मैं भी इसको। तो अब ये टोटल कितने होंगे, 166 मल्टीप्लाइड बाई 86, ठीक है। और ये अभी तो इतने ज़्यादा नहीं, कंप्यूटर आराम से कर लेगा। बट अगर किसी स्क्रीन साइज़ बड़ा हो, ठीक है, जैसे 1000 बाई 1000 हो, तो 1000 बाई 1000 1 मिलियन होता है, तो वो 1 मिलियन टाइम्स चलेगा। तो मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आर मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है। तो एक तरह से अगर आर और सी तकरीबन बराबर हो, तो ये एन स्क्वायर बनता है। वैसे ये एन स्क्वायर ही है, आप इसको एन स्क्वायर समझें। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं हर पॉइंट को क्यों चेक कर रहा हूँ, अगर किसी तरह से मुझे एग्जैक्ट वो पॉइंट मिल जाए, मैं हर पॉइंट को ये ना देखूँ कि तुम सेटिस्फाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं देख लूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे कोई ऐसी क्वेश्चन हो जैसे मुझे बस वो उठा कर एक्स बता दे और वाई बता दे, ठीक है। तो अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने प्रॉबेबली पढ़ी भी होंगी, इसे कहते हैं सर्कल की इक्वेशन जी हैं, बट ये पोलर इक्वेशन हैं। अब लास्ट टाइम जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करके ना एक्स वाई निकाल सकते हैं, वैसी हाँ कोई रिलेशन मतलब बन सकता है। इसको यूज़ करके आप फिर कोई और भी शायद आपको चीज़ यूज़ करनी है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट इससे ना डिराइव हो सकता है आपके पास ये इक्वेशन। इसे कहते हैं पोलर इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। और ये होता है कि जो एक्स है ना वो बराबर होता है आर कॉस थीटा के, और जो वाई है वो बराबर होता है आर साइन थीटा के। और अगेन ये उसके लिए है जब आपका ऑफसेट 0 है, मतलब आप एक्चुअल में ओरिजिन पर खड़े हुए हैं, तो असल में यहाँ पे प्लस 0 हो रहा है, ठीक है। बट मैं इसको ऑफसेट देना चाहता हूँ, और इसका एक्स का ऑफसेट होता था एच और वाई का ऑफसेट होता था के, ठीक है। तो अब क्या होगा, अच्छा ये थीटा क्या, असल में एक सर्कल है ना, तो ये समझे ग्राफ पेपर पर है जो भी, तो ये कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो समय जो ये वाला पॉइंट है ना, ये सर्कल पे एक ख़ास एंगल पे बन रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये 90 एंगल पे बन रहा होगा, ये वाला 180 पे बन रहा होगा, ये 270, सो ऑन। तो इस तरह से
इस पॉइंट का भी कोई एंगल होगा, ठीक है? तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको बताता हूँ, इस पॉइंट का जो एंगल है मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें रेडियस दे रहा हूँ, ठीक है? और तुमने मुझे बताना है कि ये पॉइंट क्या है। मतलब मैंने तुम्हें ये पॉइंट नहीं दिया, मैंने बस बताया कि इस डायरेक्शन में देखो, इस एंगल पे देखो, और ये रेडियस है, और मुझे पॉइंट बता दो। तो ये सर से काम करता है, ठीक है? तो अब हम इसको कोड करते हैं। अच्छा, इस वाले को अब मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ। तो सर्कल, और इसको मैं पी कह देता हूँ फॉर पोलर। अच्छा, अब इसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे? इसके आर्गुमेंट्स भी सिमिलर होंगे, एक एच हमें चाहिए होगा, एक के चाहिए होगा, यही सेम आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है? जो थीटा वाली चीज़ है वो उसके अंदर है, लाइक इधर वो एक्स हर उसको चेक कर रहा था, हर पॉइंट को, इधर मैं हर एंगल को देखूंगा। मुझे पता है एक सर्कल में 360 एंगल्स ही होते हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, कॉन्स्टेंट ओ वन, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, हर एंगल चेक करना है, राइट? तो थीटा, और पहला एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला बच्चे कहते हैं 360 है, बट असल में 359 होता है। तो 0 से 359 तक टोटल एंगल्स 360 हैं, ठीक है? तो लास्ट एंगल 359 ही होता है, तो लेस देन 360। और यह है थीटा प्लस प्लस। उसके बाद मैं उस इक्वेशन को यूज़ करूँगा, पोलर इक्वेशन को, और मैं एक्स और वाई कंप्यूट कर लूँगा, उस एक्स वाई पर जाऊँगा और कुछ प्रिंट करा दूँगा, ठीक है? तो अब क्या करते हैं कि एक्स बना लेते हैं, और जो मेरा एक्स था वो था आर मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा जो कॉस है ना, उसके लिए मुझे कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है? इसके लिए मैथ डॉट एच इंक्लूड करनी पड़ेगी, मैं कर लेता हूँ। क्यों नहीं जा रहा, खैर देख लेते हैं। अच्छा, इसको मुझे एक एंगल पास करना है, ठीक है? तो वो थीटा होगा, लेकिन मसला यह है कि ये जो स्टैंडर्ड को साइन और साइन वाले फंक्शंस है ना, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो आंसर है वो रेडियंस में हो, तो मुझे थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं कि एक और ही वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको रेड कहते हैं, फॉर रेडियन, रेडियन ही कहते हैं ताकि कोई रेडियस से नहीं कन्फ्यूज़ हो जाए। और फिर क्या करते हैं, उसका फार्मूला होता है कि जो थीटा में एंगल है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई ओवर 180 से। तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक वैसे एक अच्छी टेक्निक है, सिर्फ आज नहीं बताई। अब मैं हर जगह, अगर मुझे किसी और जगह पाई यूज़ करना, तो बजाय कि मैं 3.14 लिखूँ, जो कि कोड इतना रीडेबल नहीं है, किसी को देख के पता ही नहीं चले कि ये 3.14 क्या है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ पाए, और इसके लिए लिख देता हूँ 3416, ठीक है? और इधर बजाय मैं ये लिखूँ, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक हो गया? तो ये कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैं ये रेडियन में देता हूँ, जो रेडियन वाला मैंने निकाला था। अच्छा, उसके बाद मेरा ऑफसेट भी था, जो कि एच था, कि अगर मुझे किसी खास उस पे प्रिंट करना हो, किसी खास सेंटर पे रादर देन ज़ीरो, तो मैं ये कर सकता हूँ। और इधर क्या हुआ, इधर मैंने साइन कर लिया, और ये वाई इधर आ गया, और इसमें के आ गया, बाकी सारा सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ गो टू रो कॉलम पे, और इसमें मैं पास करता हूँ वाई और एक्स। वाई इसलिए क्योंकि पहले वो रो एक्सेप्ट करता है, और दूसरा आर्गुमेंट कॉलम है, तो रो वाई होता है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, और मैं अपना सिंबल प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक हो गया? और मेरे ख्याल से वी आर डन। अच्छा, तो अभी इसको कॉल करते हैं, और इसमें जो आर्गुमेंट्स पास करूँगा वो यही होंगे, क्योंकि मुझे उतने ही स्टार उसी उसी पॉइंट पे चाहिए, उतने रेडियस का चाहिए, और सिंबल भी वही। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको रन करता हूँ, और ये आ गया। और इसने क्या किया, सर्कल ड्रॉ करते हुए इसने हर पॉइंट नहीं चेक किया, इसने डायरेक्ट पॉइंट कंप्यूट किया, इसने एंगल दिया और बोला कि इस एंगल पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, और जो भी पॉइंट बन रहा था उसने बस वो बता दिया। ओह सॉरी, इसको कमेंट करना था, ये असल में पुराना वाला चल रहा है, तो इसको कमेंट करना था ये।
वैसे ही असल में क्या होता है, उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा था वो, तो मैं कमेंट करके रन करता हूँ, तो ये आ गया। ठीक है, पिछला वाला वैसे ज़्यादा अच्छा था, खैर वो ज़्यादा थिक था, तो ये बंद हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि वैसे मसला तो नहीं, लेकिन अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, आई गेस ठीक है, लेकिन चलो मैं बस ऐसे ही बताता हूँ, हम ये कर सकते थे कि सरफराज ने क्लास में किया था। अब ये जो होता है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करता है और इसमें ऐड करता है, असल में जो ये है ना, ये फ्लोट में रिटर्न करता है वैल्यू, तो असल में वैल्यू फ्लोट में होती है बट इंट में रिड्यूस हो जाती है। तो जब कोई भी वैल्यू फ्लोट से इंट में होती है ना, तो वो राउंड डाउन होती है। ठीक है, तो अगर हम राउंड अप करें ना, एक सेकेंड, अगर हम राउंड अप करें तो कैलकुलेशंस थोड़ी बेहतर होती हैं। वैसे आप देखेंगे कि यहाँ से ये निकल आया छोटा सा, तो अगेन ये डिपेंड करता है कंसोल पे, कुछ कंसोल्स में बेहतर होता, कुछ में नहीं होता। मैंने बस इसलिए बता दूँ कि सरफराज ने क्लास में बताया था, अगर आपके साथ कोई मसला आ रहा है, थोड़ा परफेक्ट ना आ रहा, तो आप सील लगा देंगे, बट मैं नहीं लगा रहा, कंसोल की सेटिंग्स वगैरह पे डिपेंड करता है कि क्या पता आपको लगाना हो बाय चांस, तो लेकिन मैं नहीं लगा रहा। अच्छा, अब हमें एक काम करना है, और वो हमें करना है कि एक सर्कल हो थोड़े छोटे रेडियस का हो, उसके बाद एक और सर्कल आए वो थोड़े बड़े रेडियस का हो, मतलब लेकिन पुराना वाला मिट जाए, तो इफेक्ट इस तरह से आएगा जैसे एक ही सर्कल है बट वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमने वो चीज़ असल में एनिमेट करना है, असल में अभी तो हमने शेप ड्रॉ की, हमने कुछ एनिमेट नहीं किया, तो अब हम एनिमेशन वाले फेज पे आते हैं। तो अब मैं कैसे करूँगा कि जो रेडियस है, पहली बात ये कि रेडियस हार्ड कोडेड नहीं ऑब्वियसली इसमें यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने बोला है वो चेंज होगा, तो मतलब इसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज़ करूँगा रेडियस। मैं क्या करता हूँ, जो असल में मेरा एक लूप होगा और वो क्या करेगा, रेडियस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता रहेगा। ठीक है, और जो भी रेडियस की वैल्यू है ये उसको यूज़ करके प्रिंट कर देगा। तो इनिशियली रेडियस 0 हो, मैं C1 कर लेते हैं चलो, और रेडियस लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मेरी रोज़, नहीं रेडियस असल में डायमीटर मैक्सिमम होना चाहिए ना मेरा रोज़ तक। ठीक है, तो मतलब मेरा रेडियस होना चाहिए रोज़ बाय 2 तक। अच्छा, मैं रोज़ क्यों सेलेक्ट किया, कॉलम क्यों नहीं किया, क्योंकि कंसोल पे ना रोज़ कम होती हैं, कॉलम ज़्यादा होते हैं, वाइड होता है थोड़ा, तो इसलिए मैं रोज़ सेलेक्ट कर लिया ताकि ऊपर से वो मसला बस वगैरह ना हो। अभी भी प्रॉब्ली मसला हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें से कुछ वैल्यू माइनस कर लूँगा, लाइक मैं -2 वगैरह कर दूँगा, तो वो बिल्कुल उस पर टच वच नहीं करेगा, लेकिन अभी हम देख लेते हैं, अगर मसला है तो हम फिक्स कर लेंगे। आर प्लस प्लस, और मैं क्या करता हूँ कि ये प्रिंट कर दे। ठीक है, और ये प्रिंट करने के बाद वो क्या करे कि इसको मिटा दे, तो इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और मिटाने का सिंपल तरीका, स्पेस, जहाँ पे पहले उसने स्टार प्रिंट किया था वहाँ पे वो स्पेस प्रिंट कर दे, और करे क्या कि रेडियस मेरा है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको इस्तेमाल करे। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि प्रिंट हो और उसको मिटा दे, बट अगर उसी वक्त मिटाने लग जाएगा तो मुझे दिखेगा कैसे, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा टाइम डाल देता हूँ। स्लीप, स्लीप का फंक्शन वैसी लाइब्रेरी वाला मैं तो यूज़ करूँगा, बट सरफराज ने अब ये बनाया हुआ तो ठीक है, इसमें 170 वैल्यू पे होता है, इसके अंदर से आपको ये नंबर वगैरह ट्वीक करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर। उसके बाद क्या करना होगा कि अच्छा ये बना देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन्फिनिट चलता रहे, ताकि ऐसी दिखाने के लिए ये ना हो कि ख़त्म हो जाए, और फिर असल में जो प्रोग्राम है दूसरे मॉनिटर में खुलता है, और जब तक मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और वो बंद हो जाए तब तक ख़त्म हो जाए। खैर, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, और ये है, ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है और फिर बड़ा बड़ा होता जा रहा है, आज तक जब मैक्सिमम पहुँचता है तो ये लूप ख़त्म हो जाता है और वाइल वाले में आ जाता है, फिर वो मतलब दोबारा से शुरू हो जाता है सारा। अच्छा, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस तरह से हो बट इसके बाद दोबारा यहाँ पर ना आए, मतलब बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए वो, अब छोटी स्ट्रिंग को ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग को, तो वो सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या किया कि वंस ये वाला हो जाए ना, तो यही चीज़ करो बट रिवर्स में करो,
रोज ओवर टू से स्टार्ट करो एंड वाइल यू आर ग्रेटर और इक्वल टू वन और आर माइनस माइनस, तो अगर पहले बड़ा होगा और फिर जब मैक्सिमम उस पर पहुंच जाएगा तो फिर छोटा होने लग जाएगा। तो ये हमने एक सर्कल एनिमेट कर लिया। अच्छा अब मैं जो करना चाहता हूँ मैं उसको इलस्ट्रेट करता हूँ। अच्छा तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी स्क्रीन है ना उसमें ये जो भी मैंने काम किया था कि सर्कल ग्रो कर रहा है श्रिंक कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक के साथ ना हो, इस तरफ चार सर्कल जो हैं ये उनके साथ हो। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल जैसे यहाँ पर हो, ठीक है, वो यूँ एक्सपेंड करता जाए, ठीक है, और एक इस तरह से यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो। ठीक है तो मेरी स्क्रीन हो और उसमें चारों तरफ ना सर्कल जो, ठीक है, तो अब जो भी मेरी स्क्रीन है ना पहले सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या, मतलब सॉरी पहले सर्कल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो ये होगा। तो ये कितना बनता है रफली अगर हम देखें, वैसे ही इसको छोड़ें ये, तो ये तकरीबन उसका है 25% राइट 1/4, और जो ये वाला है वो उसका 75% है। जो ये वाला है वो मतलब सेम चीज़ है लेकिन रो वाइज, अगर हम कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज 1/4 है जैसे ऊपर वाला था, लेकिन रो वाइज 75% है, और फिर ये रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों 75% होगा। तो अब हम इसको कोड करते हैं और मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको एक फंक्शन में लेके चले जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो इसको हम कर देते हैं ग्रोइंग सर्कल, तो मैं जी सर्कल कह रहा हूँ क्योंकि मुझे फंक्शन के अजीब लंबे लंबे से नाम नहीं अच्छे लगते। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसमें पेस्ट कर देता हूँ। चाहे इसको किसी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रो कॉलम वही मतलब ग्लोबल टाइप है, डिफाइन है। अच्छा बाय द वे जो डिफाइन करता है और ग्लोबल वेरिएबल करता है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफाइन क्या करता है, कंपाइलर के लिए होता है, कंपाइलर को कहता है कि जहाँ पर भी तुम्हें ये लिखा आ रहा है ना सी ओ एल एस को, ये कॉलम लिखा आ रहा है ना उसकी जगह पर ये रिप्लेस कर दो वो। और अगर मैं कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ ना कि जैसे मैं क्या कहता हूँ कि सी इज़ इक्वल टू 1/4 इंट, तो ये डिफरेंट है क्योंकि इसका स्कोप तो ग्लोबल है, लेकिन अगर मैं नीचे जाके किसी स्कोप में कोई और सी बनाता हूँ तो वो ये वाली वैल्यू यूज़ करेगा, वो मोस्ट रीसेंट स्कोप की वैल्यू यूज़ करेगा, तो वो अपना वाला सी यूज़ करेगा। बट जो डिफाइन है ना ये कंपाइलर को कहते हैं कि तुम्हें पूरे कोड में जहाँ पर भी ये लिखा नज़र आ रहा है ना उसकी जगह बस ये चिपका दो। ठीक है तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है पास वगैरह करने की कोई, और जो रेडियस है ये भी मेरा मतलब कंट्रोल्ड है, तो ये भी मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ, ये बस वन से रेडियस जहाँ तक भी बन सकता है अपनी स्क्रीन तक वहाँ तक बना लेता है। तो मैंने इस फंक्शन को बना लिया और फिर अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना चार सर्कल्स बनाने, अभी तो मैंने बोला कि अभी मुझे इसको कोई आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चार सर्कल्स बनाऊँ। तो जो चार सर्कल्स होंगे उनके सेंटर्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तो मतलब उसको जो सेंटर है ना एच और के वो मुझे पास करने होंगे। ठीक है मतलब मुझे बताना होगा कि तुम कहाँ पर बनाओ, तो एक जो ग्रोइंग सर्कल है ना जो बताना होगा कि तुम ये कहाँ पर बनाओ और ये बनाओ एच और के पे, क्योंकि तीन चार सर्कल्स हैं उनके सबके डिफरेंट सेंटर्स होंगे। तो मैंने ये इस तरह से कर दिया और मैं क्या करता हूँ बस सिंपली ये एच और के रिसीव कर लेगा और ये वहाँ पे सर्कल वगैरह बना देगा। इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, मुझे इसको एच और के पास करना है राइट। अब इधर मैं इसको मिटा देता हूँ और इधर मैं जी सर्कल कर लेता हूँ और इसको मैं क्या पास करता हूँ एच और के, और भी मैं देखता हूँ कि मैं एच और के कैसे सेलेक्ट करूँगा। मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला है ना वो होगा रो के, मतलब उसकी जो रोज़ है ना
वो 1/4 पे होगा और जो कॉलम है वो भी 1/4 पे होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे बना लेता हूँ और उस एरे में मैंने सारी वैल्यूज़ रखवाई हुई होंगी, और वो क्या करेगा, सिंपली उस एरे को ट्रेवर्स करेगा और वो रेडियस, वो जो भी कोऑर्डिनेट्स है ना, वो उठाएगा और उसको सेंड कर देगा। तो पहले मैं एरे बना लेता हूँ, इंटीजर टाइप का होगा, करूँगा सर्कल सर्कल पोजिशंस, और ये एरे होगा। और अभी मैं चार के लिए कर रहा हूँ तो मैं चार के लिए कर लेता हूँ। मसला ये कि अब एक एरे में एक इंडेक्स पर मैं सिर्फ एक वैल्यू रखवा सकता, मैं दो नहीं रखवा सकता, तो उसके लिए मैं 2D एरे यूज़ करूँगा कि फॉर एवरी रो मैं दो आइटम स्टोर करवा सकूँ। ठीक है, विजुअली अगर मैं दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से होगा कि ये मेरी चार रोज होंगी 2D मैट्रिक्स में। एक सेकेंड, ये मेरी जो मैट्रिक्स होगी 2D एरे होगा, उसमें चार रोज होंगी और हर रो पर ना दो आइटम्स पड़े हुए होंगे। खैर, चार से ज़्यादा हो गए। इस तरह से, तो इस पर मेरा एक एक्स एक वाई पड़ा हुआ होगा, इस तरह से इस पर भी एक्स और वाई पड़े हुए होंगे, तो असल में इस तरह से होगा। तो इधर मैं वैल्यूज़ दिखा देता हूँ कि पहले तो कि मैं 2D मैट्रिक्स बनाऊँगा, तो वो मैंने बना लिया, उसके बाद मैं उसके अंदर वैल्यूज़ प्लेस कराऊँगा। जो पहला वाला है ना, अच्छा मैं इस तरह से पहले चार बना देता हूँ, चार। अच्छा, तो क्या, जो पहला वाला होगा ना वो होगा कि रोज़ का 1/4, ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी ये असल में वाई कोऑर्डिनेट है क्योंकि रोज़ आपका याद रखना, अगर रोज़ जो है वो वाई कंट्रोल करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक काम करते हैं कि मैं इसको इस पे रखवा देता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ कि जो कॉलम है वो भी पहले वाले में यही होगा, उसका मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 कॉलम होगा उसे सेंटर। उसके बाद क्या होगा कि अच्छा बाय द वे रेडियस अब जो है ना, चले मैं बाद में आपको दिखाता हूँ क्योंकि अब एक स्क्रीन पे ज़्यादा सर्कल है तो उन्होंने पूरा एक्सपेंड नहीं करना फुल स्क्रीन तक, उन्होंने एक अपने छोटे एरिया तक कन्फाइंड रहना है। ठीक है, तो इसको मुझे एक और आर्गूमेंट पास करना होगा कि मैक्सिमम तुम कितने ग्रो कर सकते हो, तो वो भी मैं इसको सेंड वगैरह कर दूंगा, अभी मैं इस पर फोकस करता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जो दूसरा वाला सर्कल है ना, उसमें कॉलम, उसमें रोज़ तो क्योंकि वो उतनी हाइट पर ही है, ठीक है, वो उतनी हाइट पर है, बट कॉलम में वो शिफ्टेड है, तो कॉलम 3/4 होता है। अब मैं इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मसला है कि 3/4 इंटीजर डिवीज़न हो रही है क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं, राइट, तो ये ज़ीरो बन जाएगा क्योंकि 0.75 बनता है असल में, और तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके दो सोल्यूशन है, या तो मैं 3.0 लिख देता, मतलब ताकि उनमें से किसी एक को बेसिकली फ्लोट कर देता, या फिर मैं सिंपली 0.75 लिख दूँ। तो सरफराज ने ये लिखा था तो मैं भी फिर ये लिख देता हूँ, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा वाला है ना, सॉरी तीसरा वाला, एक काम करते हैं उसको थोड़ा सा फॉर्मेट बेहतर कर देता हूँ अगली लाइन पे, ताकि वाकई में एक मैट्रिक्स टाइप ही लगे। ठीक है, और अब क्या करता हूँ कि कॉलम्स मल्टीप्लाई, अच्छा जो चौथा वाला है ना वो उसमें कॉलम शिफ्ट हो रहा है, मतलब आगे को जा रहा है। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ, जो रोज़ है ना आई गेस वो 0.75 से मल्टीप्लाई होती, हाँ, क्योंकि जो तीसरा वाला है, जो तीसरा वाला वो रोज़ उसमें मतलब 75% है, कॉलम 25% ही है। ठीक है, तो कॉलम इसमें 4 से डिवाइड हो रहा होगा और रो इसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी 0.75 से, के रो 75% 3/4 तक है, वहाँ पे है मतलब। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कॉलम मतलब मैं आगे वाले की बात करें तो आगे वाले में वो कॉलम का डिफरेंस है, तो अब कॉलम आगे शिफ्ट हो रहा है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इसका रोज़ है रोज़ उतनी रहेंगी, 0.75 सेम रो में ही है वो। तो ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप लगाना है। एक काम कर लेते हैं, अब मैं रो और कॉलम यूज़ कर लेता हूँ,
ताकि वो एक्स वाई वगैरह के साथ मिक्स वगैरह ना हो जाए। और इसका मैं क्या करता हूँ, ये लेस देन इक्वल टू होगा 4 और आर प्लस प्लस, ठीक है। बल्कि एक काम करता हूँ, इसको मैं सर्कल कहता हूँ, सर इस तरह से कहता हूँ, सेकेंड, कि मैं कौन से वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चार सर्कल में से कौन सा वाला सेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जी सर्कल कॉल करता हूँ, ग्रोइंग सर्कल, और उसको मैं पास करता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो मैंने पहले बनाया था वो क्या करता था कि वो पूरी स्क्रीन तक एक्सपेंड करता था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वो पूरी स्क्रीन तक एक्सपेंड करे, ठीक है। तो मैं इसको ये पास कर दूंगा कि तुमने एक्सपेंड कहाँ तक करना है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में भी कोई क्रिएटिव नाम नहीं आ रहा, जो कि प्रोग्रामिंग का सबसे मुश्किल काम है, तो मैं इसको कह देता हूँ मैक्स आर कह देता हूँ, ठीक नाम ही है। तो अब मैं मैक्स आर इसको पास करूँ, मतलब मैं बताऊँगा कि तुमने यहाँ यहाँ तक ही ग्रो करना है, ठीक है, कोई मसला वगैरह ना, ताकि वो पूरा एक्सपेंड करें, वो चारों पूरे एक्सपेंड कर देंगे, अजीब सा लगेगा वैसे, वो भी अच्छा लगेगा, मैं वो करके देखता हूँ। इसको एच और के पास करना है, तो जो एच और के है ना वो मैंने स्टोर कराया है, असल में वो ये हैं, तो मैं उनको वो पास करूँगा। तो मेरा जो एरे है उसकी अब मुझे कौन सी इंडिसीज उठानी है, एक तो एक है जिस सर्कल की बात कर रहा हूँ ना उस सर्कल की वाली रो सेलेक्ट कर लो, राइट। और जो एच है ना वो क्या होगा, एच होता है जो मेरा एक्स के साथ ऑफसेट होता है। तो जो मेरा पहला आर्गुमेंट है अपने सर्कल वाले फंक्शन में वो एच ही है, तो एक्स के साथ ऑफसेट क्या होता है, कॉलम वाला होता है, ठीक है। मैंने सही स्टोर करवाया था, शायद मैं गलत हूँ, मैं रन करके देख लूँगा, खैर मेरे ख्याल से इधर 0 होना चाहिए, मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी। और मैं क्या करता हूँ, अब जो दूसरा वाला जो के है वो ये वाला होगा, अगले वाला कोऑर्डिनेट। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैक्स रेडियस पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा था कि अगर पूरी स्क्रीन तक एक्सपेंड करना है ये रेडियस हो, लेकिन अब असल में चार सर्कल है ना, तो स्क्रीन का 1/4 हो गया, ठीक है, कि हर सर्कल को एक तरह से 1/4 जगह मिलेगी एक्सपेंड करने के लिए। तो मतलब इस वाली चीज़ को मुझे 1/4 करना है, और इस वाली चीज़ को मैं 1/4 करने के लिए सिंपली यहाँ पे 8 लिख दूँ, लेकिन चलिए कोड थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए मैं कर देता हूँ कि इस पूरे को ना 4 से डिवाइड कर देता हूँ। कोई मसला होगा मेरे ख्याल से, एरर वगैरह वाला देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से रोज़ को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रोज़ का मंगी 4 से, ठीक है चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा इतना। अच्छा ये हो गया, तो अभी क्या करेगा, सर्कल को पकड़ेगा, मतलब सारे चारों सर्कल्स देखेगा और हर सर्कल को ड्रॉ कर देगा। अब मसला ये है कि ये जो क्लियर वाला है, मैं क्या चाहता हूँ कि जो क्लियरिंग वाला काम है ना, वो ये ना हो कि एक सर्कल को एक्सपेंड करे, ड्रॉ करे, वो सब करे, और फिर मैं चाहता हूँ कि जब एक वाला ड्रॉ हो ना तो दूसरा वाला ड्रॉ, तीसरा वाला ड्रॉ और चौथा वाला ड्रॉ, और फिर क्लियर हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि एक वाले को ही वो उस पर लगा रहे, उसको मिटाए, साफ़ उसको बनाए, क्लियर करे और वो सारा करे। तो एक काम करते हैं कि जो क्लियर वाला है ना कॉल, इसको हम कहीं और लेकर चले आते हैं। इसको अब हम कहाँ पर लेकर जाएं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ना, हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक तीसरा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कैरेक्टर, तो इसको हम तीसरा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जो कि मैं देता हूँ कैरेक्टर होगा ना, तो सिंबल, और इधर भी फिर ऑब्वियसली सिंबल ही आएगा। अब क्या करते हैं कि ये जो स्लीप है ना, ये स्लीप भी तभी हो जब सारे ड्रॉ हो जाए, उसके बाद स्लीप हो और फिर क्लियर हो, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इधर आर्गुमेंट भेज देता हूँ इसका, अपने एस्ट्रिस का, और फिर क्या करें, फिर ये इनको दोबारा विज़िट करें, लेकिन बस स्पेस प्रिंट करवा दे। और जो स्लीप वाला है ना वो मैं इसमें रख देता हूँ कि
सारे ड्रॉ कर ले उसके बाद स्लीप करें। तो उसको मैंने 170 दिया था, तो ये क्या होगा, सारे सर्कल ड्रॉ करेगा और फिर थोड़ी देर रुकेगा ताकि मुझे दिख जाए, और फिर सबको मिटा देगा और फिर दोबारा करेगा, और इस टाइम रेडियस इंक्रीज्ड होगा। लेकिन एक मसला है। अच्छा, तो जो मसला है ना वो असल में ये है कि मैंने जी सर्कल वाला फंक्शन यूज़ किया था, ग्रोइंग सर्कल, और बस मैं उसको एक सर्कल को बोलता हूँ और वो उसी सर्कल को बस बड़ा करता रहता है, उसी सर्कल को बड़ा करता रहता है। तो लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये एक सर्कल पे काम करता रहेगा, और मैं क्या चाहता हूँ कि जब इस सर्कल का ये वाला पोर्शन ड्रॉ हो ना, तभी उसके बाद इस सर्कल का पोर्शन ड्रॉ हो। अच्छा, खैर, तो सर्कल्स, अब ये है कि इस पहले इन सबका जो रेडियस जो छोटा वाला, जैसे 5 है, पहले सारे 5 पे ड्रॉ हो जाएं, उसके बाद एक्सपेंड होना स्टार्ट करें, उसके बाद वो बड़ा वाला सर्कल बने। लेकिन जो जी सर्कल वाला फंक्शन है ना, वो क्या करता है कि वो एक सर्कल पे काम करता रहता है, वो दूसरों पे शिफ्ट नहीं होता, तो इसलिए मुझे एक चेंज करना पड़ा था। और वो चेंज है कि मुझे उसको फंक्शन में नहीं बनाता, मतलब हम प्रॉब्ली फंक्शन में कर सकते हैं, बट अब मैंने तो सोचा नहीं। खैर, मैं इसको फंक्शन से बाहर लेकर आ गया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कोड अभी कैसा है। अच्छा, तो जो जी सर्कल वाला फंक्शन है, इसलिए क्योंकि वो एक ही सर्कल पे काम करता रहता है, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया, और मैंने क्या किया, उसका कंटेंट बाहर ले आया, जो मैक्स आर और सिंबल वगैरह वो मैंने यहीं पे दिखा दिए कि क्या है। और एक और बात, कि जो वाइल टू था वो उसके अंदर था, तो वो एक ही सर्कल पे, ये नहीं कि सिर्फ एक सर्कल पे एक टाइम पे काम कर रहा है, वो उसी सर्कल पे लगा रहता है और वो उसी में फंसा रहता। ठीक है, तो एक तो वाइल टू को मैं बाहर लेकर आ गया, दूसरा ये कि मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच रेडियस ड्रॉ ऑल 4 सर्कल्स। तो क्या करता है, रेडियस के सारे लेवल्स के लिए सर्कल सारे चूज करता है, उनकी एच के रीड कर लेता है। ये वैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकता था, बट कोड रीडेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज़ करने के लिए, कि थोड़ा नीट वगैरह लगे, वरना एक ही लाइन में लंबा वगैरह हो जाना था, मैंने उसको वहाँ पर रख दिया। और ये जो स्लीप है, ये क्या करता है कि मैं क्या चाहता हूँ, एक दफ़ा ड्रॉ हो, उसके बाद मुझे पहले जो उसकी स्टेट है जिसमें वो ड्रॉ हुआ है, वो थोड़ी देर के लिए देखे, वरना बहुत तेज़ तेज़ होगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, उसके बाद वो उसको मिटाना शुरू करे। ठीक है, और जो ये वाला, ये भी वही है, बस उसको रिवर्स में कर रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड, अगर इसको रिवर्स में करना है तो ये मैक्स आर से वापस जाएगा 1 तक, ग्रेटर और इक्वल टू 1, और इधर आर माइनस माइनस होगा। ठीक हो गया, तो और ये भी वही काम कर रहा है, बस के हर रेडियस की वैल्यू के लिए, ठीक है, रेडियस 1 के लिए या रेडियस 5 के लिए चारों सर्कल ड्रॉ करता है। ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद थोड़ा वेट करता है और उसको मिटा देता है, और फिर वो दूसरे सर्कल पे शिफ्ट हो जाता है, एंड सो ऑन। तो मैं इसको रन करता हूँ, और इस तरह से है, ये देखें एक्सपेंड हो रहा है और फिर डिक्रीज वगैरह हो रहा है। अब वो कंसोल की लिमिटेशन है कि मतलब थोड़ा स्लो ही होता है, आपको भी पता है कंसोल है। तो ये बन गया, इसको बंद कर देता हूँ, और अब हम करते हैं, अब हमें बनाना है एक, मतलब हम बनाएंगे नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मैं उसका पार्ट बना दूंगा, ठीक है, जो उसको अचीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे। हमें बनाना है एक फेस जो कि सर्कुलर होगा, और क्या करना है, उसकी आँख होगी और दूसरी आँख भी होगी, और फिर उसका स्माइल होगा, उसके बाद उसकी आईब्रोज होंगी, और ये सर्कुलर ही है, मतलब एक आर्क है। सर, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हर चीज़ है ना, वो सर्कल है या तो सर्कल का एक पार्ट है, जैसे ये एक पार्ट है सर्कल का, तो इसे आर्क कहते हैं, ये सर्कल का कोई भी पार्ट है। सर से मैं क्या चाहता हूँ, मैं बताऊं कि ये आर्क का स्टार्ट होगा, सर्कल असल में सर्कल ये है ना, आर्क बस उसका एक पार्ट है। ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल है, लेकिन ये उसका एक पार्ट है। मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसको बता दूं कि ये स्टार्टिंग एंगल है और ये एंडिंग एंगल है,
और फिर बस वो ये आर्क ड्रॉ कर दे। तो कोड में इसको किस तरह से लिखेंगे कि और क्या था इसके बाद रैंडम वाला रहता है। पचास क्या? और रैंडम पॉइंट्स और फरास कैसे जनरेट कर? वो एसरेंड वगैरह से? अच्छा बताया। और वो बबल वाला क्या सीन था? अच्छा ये तो मैंने कर लिया है, रैंडम जनरेशन वगैरह वो सर ने नहीं करवाई। अच्छा तो अब क्या रह गया? सारा हो गया मतलब बताने और बस वो क्वेश्चन का बताने मिड वगैरह वाले का, बस कोड करने वाले कुछ रहता। अच्छा स्पायरल, ये क्या बबल वाला? अच्छा बबल वाला बता दूँ फिर स्पायरल का बता दूँ, फिर स्पायरल कोड कर लूँ। अच्छा, स्पायरल वाला क्या होगा कि बस रेडियस इंक्रीज किस तरह से करते थे? 0. डेल्टा वाला मैंने वो गौर से नहीं लिया क्योंकि स्पायरल सेक्शन बी मैंने करवाया था। नहीं वो तो हम खुद भी कर सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन सर फराज ने किस तरह से करवाया था? नहीं, रुको। और डेल्टा वही है ना कि बस रेडियस कितने उससे ग्रो कर रहा है, और डेल्टा इट सेल्फ भी ग्रो करता है। स्पायरल का अगर तुम सोचो ना, वो असल में उमर के लैपटॉप में रिकॉर्डिंग थी, तो ये जब बाहर गया तो उमर को लगा कि मतलब उमर आया था, मेरे मुझे नहीं पता था कि उसमें रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, तो उमर लैपटॉप लेके चला गया, वो उसके लैपटॉप में घर में अभी। हाँ भी कर दे। सरफराज, अच्छा सरफराज ने क्लास में बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं शेयर होगी, और फिर 5 मिनट बाद हमें आके कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग करो। नहीं उन्होंने उन्होंने शेयर का बोला था। अच्छा, ये बोला है, मुझे लगा शेयर का बोला। वैसे अगर रियलिस्टिकली सोचा जाए तो रिकॉर्डिंग बनती भी नहीं है, मतलब बाकी बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं कोई होती ना, इसमें भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो सरफराज करते हैं ना, लेकिन बच्चे उस पर ज़्यादा डिपेंड ना करें, अगर किसी से ना भी मिले तो इतना हो कि बच्चों की मेमोरी इतनी हो कि एक दफ़ा लेक्चर ले ले तो उनको पता उनको क्या करना है। अगर ये बता दिया कि बस स्क्रीन पे किस जगह जाना है, तो उसके बाद बस मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा सरफराज ने बबल वाला कराया था, उसके बाद बस वो है कि सरफराज ने ये करवाया था, वो कैसे कराया था वो तो बहुत आसान हो गया, तो बस आपको। कौन सा फेस वाला? उसमें क्या मुश्किल है? हाँ अच्छा, जो स्पायरल वाला है उसमें बस डेल्टा भी चेंज होगा क्योंकि जब स्पायरल ग्रो करता है, मैं लॉगरिथमिक स्पायरल का फिर सोच रहा हूँ, डेल्टा सेम ही रहेगा ना, डिफरेंस सेम रहता है ना, बस फिर ठीक है। तो जो सर्कल किसी तरह से जो ये वाला है, नहीं मैं नहीं गया था, उनको वहीं पर रखना था। अच्छा इस वाले फंक्शन को तो मैं यूज़ कर सकता ना, क्योंकि ये तो एक पूरा सर्कल कर लेता है। हाँ चलो पहले अभी बस मुझे वो बता रहे ना कि रैंडम वाला, एक और भी चीज़ बतानी थी क्या आपने? रैंडम वाला बस मुझे बताना है कि, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी हमने क्या किया था, चार का लिया था साइज़, और हमने किधर बना दिया था और एक इधर, और इस तरह से हमने चार बनाते, लेकिन आप चार से ज़्यादा भी बना सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये तो मैंने फ़िक्स कर दिए थे ना कि यहाँ यहाँ तक बने, लेकिन आप क्या करें कि ये मैं कोड नहीं कर रहा क्योंकि सिंपल है, मतलब आपको पता चल गया क्या करना है। अब आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने आते हैं, तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले रहे हैं, जैसे आप आठ बनाएं ठीक है बबल्स टाइप, और क्या करें कि किसी उनके जो वो है ना सेंटर्स जो स्टार्ट एच ओ के हैं, उनका आप बस रैंडमली जनरेट करके अरेज में कर दें जो कि आप पहले काम कर चुके हैं। तो इस तरह से कोई यहाँ पर होगा, कोई यहाँ पर होगा, कोई इस तरह से रैंडमली होंगे, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनका जो रेडियस है ना वो भी रैंडम हो, मतलब कुछ किसी का कोई डिफरेंट रेडियस हो, किसी का कोई डिफरेंट रेडियस हो, क्योंकि बबल्स भी इसी तरह से होता है, हर बबल इक्वल नहीं होता, कुछ जल्दी फूट जाते हैं, कुछ देर से फूटते हैं, तो ये वगैरह मतलब आप कर सकते हैं ठीक है। और बस ये कि ये जो आपका बबल वाला साइकिल है ना, जब ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है कि अब सेंटर्स दोबारा वही वाले शुरू हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि आपने एक दफ़ा एरे में इनिशियली सेंटर्स सारे रखवा दिए थे, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि अब दोबारा से एरे को ट्रेवर्स करो, दोबारा रैंडम नंबर्स जनरेट करो और दोबारा उसका कर दो, और रैंडम नंबर्स आपको अपने स्क्रीन साइज़ के अंदर अंदर चाहिए राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी वैल्यू है ना बस वो ज़ीरो से लेके, जैसे रोज़ है ना, तो ज़ीरो से लेके उसके दरमियान ही कोई उसको मतलब सेट कर देगा। तो ये आपने पहले किया हुआ है और ये आपको आता है, तो बस मतलब उसके जो सेंटर्स हैं ना, वंस ये सारे हो जाएं उसके बाद सेंटर्स को भी दोबारा रैंडमाइज कर देना, ताकि अगले बबल्स जो अगला साइकिल है वो किसी और जगह पर बबल्स बन रहे हो। अब हम जो बनाने लगे हैं ना वो एक स्पायरल है, मैं दिखाता हूँ कि स्पायरल कैसा होता है अगर किसी को नहीं पता। स्पायरल इस तरह से होता है, देखते हैं मुझसे ड्रॉप आता है ग्राफिक टैबलेट पे। इस तरह से होता है कुछ, मैं पूरा नहीं बना रहा पूरी स्क्रीन हाइट तक, लेकिन टू गेट द पॉइंट, आपने पहले शेप देखी भी होगी। तो हमने इसको ड्रॉ करना, अगर आप देखें तो सर्कुलर है, बस फ़र्क क्या हो रहा है कि एक सर्कल का रेडियस फिक्स्ड होता है उसके स्टार्ट से एंड तक ठीक है, लेकिन इसके स्टार्ट से एंड तक, और बाय द वे ये एक सर्कल नहीं है, क्या आप देखें इसका स्टार्ट ये है ना, लेकिन ये यहाँ पर एंगल ज़ीरो है और यहाँ पर एंगल 359 आ जाता है, तो इसका मतलब ये एक सर्कल हो चुका है, और फिर यहाँ से दूसरा सर्कल स्टार्ट हो जाता है और ये यहाँ पर जाता है और वापस आता है इधर ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से मल्टीपल सर्कल्स ही हैं एक साथ जुड़े हुए हैं और उनका रेडियस डिफरेंट है, और रेडियस यहाँ शुरू में इसके छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सर्कल का एंगल बढ़ता रहता है उसका रेडियस भी इंक्रीज़ होता रहता है ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं कोड, हम एक फंक्शन बना देते हैं स्पायरल का, और ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लेगा। एक तो एक जिस तरह से सर्कल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस तरह से स्पायरल का भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसको एच और के दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्पायरल को चलें जो भी आपने सिंबल प्रिंट कर लिया है आप वो भी इसको पास कर दें ठीक है, फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही है, और इसको बस यहाँ पे कॉल करना है, इसको एच और के देना है। अच्छा, मैं जो स्पायरल बनाना चाहता हूँ वो स्क्रीन के मिडल में होना चाहिए, स्क्रीन का मिडल क्या है, रोज डिवाइड बाय, अच्छा पहले कॉलम्स आएगा क्योंकि कॉलम्स एक्स के साथ एसोसिएटेड है और एच भी एक्स के साथ एसोसिएटेड है, तो रोज डिवाइड बाय टू वाई के लिए, मतलब दोनों स्क्रीन का मिड हो बेसिकली, और ये एस्ट्रिस्क। अगर आप देखें तो ये तकरीबन सेम है, बस फर्क है कि इसमें रेडियस जा रहा है इसमें रेडियस नहीं जा रहा, कि वो इसलिए क्योंकि रेडियस ने स्टार्टिंग मतलब उसकी छोटी होनी है और फिर एक्सपेंड करना है, तो जिस तरह से ये जो था जो जी सर्कल जो भी मैंने बनाया था उसमें मैंने उसको रेडियस नहीं देते क्योंकि मुझे पता है उसका रेडियस कहाँ तक जाना है ठीक है। तो अब इसके अंदर कोड करते हैं, हम क्या करते हैं
कि रेडियस का पहले वेरिएबल बना लें कि रेडियस हमें गिवन तो नहीं है तो हमने उसको सेट करना है। तो हम क्या कहते हैं रेडियस को बना लेते हैं, इनिशियली रेडियस को मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा स्पाइरल में मैंने बोलता कि रेडियस इंक्रीज होता रहेगा एक वैल्यू से, ठीक है। तो वो वैल्यू अब मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए उसके लिए एक वो बना लेता हूँ, उसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो रेडियस है ना वो जब एक एंगल ड्रॉ हो जाए ना तो थोड़ा सा रेडियस बड़ा हो जाए, ताकि जैसे जैसे वो सर्कल ड्रॉ होता रहे उस तरह से उसका रेडियस बढ़ता रहे। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो छोटी वैल्यू थोड़ी, तो मैं सोचूंगा 0.03 कर लेते हैं, और मैं उसको फ्लोट में बनाऊँ कि ऑब्वियसली वो फ्लोट है और उसका नाम है डेल्टा रख लेता हूँ। डेल्टा अक्सर डिफरेंस के लिए यूज़ होता है इसलिए, क्योंकि रेडियस में जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.03 का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसके लिए बेसिकली सर्कल वाला कोड ही है तो मैं इसको उठा लूँगा और दे पेस्ट कर देता हूँ। और अब वो क्या करेगा कि रेडियस जो है ना, इसको जो यहाँ पे रेडियस मिल रहा है असल में वो ये है, और जो ये वाला रेडियस है ना ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता रहेगा। तो लाइक एक दफ़े प्रिंट हो गया ना, ये जो लूप है पूरा सर्कल प्रिंट करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरा सर्कल प्रिंट करने के बाद ना रेडियस एक्सपेंड करें, सर्कल का पार्ट प्रिंट करते हुए ना, मतलब एक एंगल प्रिंट करने के बाद अपना रेडियस एक्सपेंड करें, तभी वो प्रॉपर दिखेगा। तो जितना डेल्टा है ना उतने अमाउंट अपने अंदर ऐड कर दे। अब इसकी कुछ स्टॉपिंग कंडीशन भी होगी ऑब्वियसली, तो लेकिन हम बाद में देख लेंगे कि वो क्या है, अभी हम स्पायरल बना लेते हैं। या अभी मतलब प्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि इसकी कुछ स्टॉपिंग कंडीशन भी होनी चाहिए। तो अभी जैसे आप देखें कि ये बिल्कुल मतलब कम है, और इसकी रीज़न पता क्या है, ऐसा कि रेडियस इंक्रीज़ हुआ ही नहीं है, और इसकी रीज़न ये कि जो रेडियस है वो इंटीजर में है, और जब मैं इंटीजर में फ्लोट ऐड करता हूँ तो जैसे मैं 1 के अंदर 0.03 ऐड करूँगा वो वापस 1 बन जाएगा, क्योंकि असल में ये लाइन क्या है, ये लाइन ये है आर इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है ना ये इवेल्यूएट होगी, इसमें एक इंटीजर एक फ्लोट है। अब सी प्लस को पता है कि जब एक एक्सप्रेशन में एक इंटीजर और एक फ्लोट हो तो फ्लोट की ज़्यादा प्रिसीजन है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट फ्लोट में कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी फ्लोट में आएगा, राइट हैंड का आंसर फ्लोट में आएगा, लेकिन जब वो स्टोर होने जाएगा ना तो स्टोर होने वाले जो आइटम है वो इंटीजर है, तो वापस इंट में डाउन कास्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं रेडियस को भी फ्लोट बनाऊंगा कि ताकि वो वाला मसला ना हो, रेडियस वाकई में बढ़ता रहे, वरना वो वहीं पर फंसा होता। अभी भी ये परफेक्ट नहीं होगा, एक सेकेंड ऐसा एरर दिया। अच्छा वो ऊपर ना पहले इसको क्लोज़ कर दूँ, ये बन गया। और ये आप देख रहे हैं कि स्पायरल ही है, बट इसकी स्टॉपिंग कंडीशन वगैरह और वो सब मुझे देखना है। अच्छा एक चीज़ है कि आप ये देखें पूरा सर्कल ही है, मतलब 360 एंगल्स ही गया है ये इसका पहला एंगल है, और ये जाते 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 ये सर्कल कंप्लीट हो गया है, वो तो अलग बात है इसका रेडियस एक्सपेंड हो गया। आप देखें कि ये 359th एंगल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भी वो ये काम दोबारा करने लग जाए, और एक और सर्कल के लिए करे, एक और के लिए करे, एक और के लिए करे, ठीक है। तो अब हम उसके लिए करते हैं, तो मतलब यही वाला काम उसको मल्टीपल टाइम्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाइल लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि वाइल, अब वाइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये कब तक यूँ स्पायरल ड्रॉ करता रहे, तो अभी मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, जो कि हमेशा तक चलता रहेगा, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए कि ये क्या होता है। मैं दूसरे मोनिटर से यहाँ पे शिफ्ट किया तो तब तक ये थोड़ा हो चुका था, लेकिन शुरू में ठीक थी हालत, तो असल में रेडियस इंक्रीज़ होता रहता है और वो सारा होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि बस प्रोग्राम के स्टार्ट में ना एक एक गेस्ट लगाता हूँ, ताकि मैं स्क्रीन को इस मॉनिटर पर शिफ्ट कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ कि स्टार्टिंग इसकी किस तरह से होती है, ना स्टार्टिंग उस मॉनिटर पर शुरू हो गई थी। तो मैं कोई की प्रेस करूँगा और ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही एक्सपेंड हुआ बहुत जल्दी जल्दी और वो सारा हुआ, आपने देख ही लिया होगा, सही। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये कब रुके, ये रुकना तब चाहिए जब मेरे जो अभी स्पायरल चल रहा है ना उसका जो रेडियस है वो हो जाए अपने स्क्रीन की एज पे पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लूँ कि जो मेरा अभी चल रहा है अगर वो स्क्रीन की एज पे पहुंच जाए तब ये रुके, राइट। तो जो आर है जब तक वो रोज़ डिवाइड बाय 2 से कम कम है, ठीक है ना, तब तक ये चलता रहे। आई एम नॉट श्योर कि सही काम करेगा, देख लेते हैं, सही काम ही किया।
और अच्छा स्पायरल मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ थोड़ी ड्रॉ होते हुए मुझे दिख। इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे पता चले ना कि जो लास्ट वाला स्पायरल है, मतलब जो भी करंट रेडियस चल रहा है, अगर वो एच तक पहुँच गया तो मैं रोक दूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो ये कंडीशन है ना, मैं इसमें करता हूँ कि जो अभी रेडियस है ना, अगर वो एज के वहाँ तक है, मतलब रेडियस क्या होता है कि वो एज तक पहुँच जाए, रेडियस इसमें डायमीटर का हाफ है ना, तो अगर रेडियस रोज़ बाय टू, मतलब आधी स्क्रीन जितना रेडियस हो गया, तो मतलब वो स्पायरल स्क्रीन के करीब पहुँच गया, क्योंकि उसका स्टार्ट मिडल है ना, तो बीच से स्टार्ट करा और आधी स्क्रीन उसकी लेंथ हो गई तो वो एज तक चला गया। तो जब तक ये रोज़ बाय टू से छोटा छोटा है ना, तब तक चलता रहे। ओ सॉरी, जब तक ये रोज़ बाय टू से छोटा छोटा है तब तक चलता रहे, और जब नहीं हो तो रुक जाए। तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक मसला जो कि अभी अपेरेंट नहीं है क्योंकि ये स्पेशल केस है, बट होगा क्या कि अगर आप, ओ सॉरी मुझसे गलती से बंद हो गया, मैं दोबारा खोलता हूँ। हाँ, उसमें मसला क्या होगा कि अभी आप देखें, इसका जो स्टॉपिंग पॉइंट है ये एग्जैक्टली एक 360 साइकिल है, मतलब 359th वाले पर है अभी, ठीक है। लेकिन रेडियस बड़ा यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर आके भी हो सकता था, लेकिन ये रुकता सिर्फ यहाँ पर है। और ये पता क्यों? क्योंकि जो ये वाला है ना, इसने एक पूरा सर्कल प्रिंट कराना है, उसने उसके बाद ही कंडीशन चेक करना है। अगर सर्कल प्रिंटिंग के दौरान बड़ा हो रहा है तब वो कंडीशन नहीं देख रहा। तो इसका मतलब जो ये वाली कंडीशन है ना, एक तो ये यहाँ भी लगानी है ताकि ओवरऑल लूप से बाहर आ जाए। यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं वैसे ही, वो मैं बताऊँगा कैसे, लेकिन हमें अंदर भी चेक करना है क्योंकि सर्कल ड्राइंग अभी पूरा सर्कल नहीं हुआ, उसके दौरान भी रेडियस बाहर हो सकता है, जो कि अभी ऐसा नहीं दिख रहा था। तो मुझे ये वाली कंडीशन लगानी है अंदर को। और मैं क्या करता हूँ कि अब जब वो इससे बड़ा, अभी तो एक इससे छोटा छोटा तो चलता रहे, लेकिन जैसे ही इससे बड़ा हो ना तो ये ब्रेक कर दे, ठीक है। जैसे ही इससे बड़ा होगा ये ब्रेक होगा। अब जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये दोनों सेम है, बस उल्टे तरीके से लिखे हैं, तो मतलब ये कंडीशन भी ब्रेक होगी तो पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं, लास्ट टाइम आपने, सॉरी पुराना प्रोग्राम बंद कर दूं, लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल 359 पे आके रुका था, लेकिन अब पहले रुक गया क्योंकि असल में यहाँ पर उसका रेडियस वो बड़ा हो रहा था, तो उसने बोला कि मैं यहीं पर रोक देता हूँ। क्योंकि क्या पता ये वाला पॉइंट यहाँ पर आता, लेकिन यहाँ पर क्या पता आके होता, वो मेरे डेल्टा पर डिपेंड करता है, मेरे स्क्रीन साइज़ पे। तो इसलिए अब वो इश्यू अवॉइड हो गया कि वरना क्या करता, पूरे एक साइकिल के बाद ही वो चेक करता है कि वो रेंज से बाहर गया नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ साथ साथ ही चेक करता है कि वो भी स्क्रीन के अंदर ही हो कि नहीं। अच्छा, और जो दूसरा मैंने बोला था कि यहाँ पे सेम कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें बस मैं ये कर सकता था कि आप कह रहे होगे कि रिटर्न कर दूँ मैं इधर, बस सिंपल, वो भी काम कर जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये थोड़ी ज़्यादा मतलब जेनरिक टाइप है, क्योंकि रिटर्न एक तरह का हैक है वो, तो बेहतर ये कि आप नॉर्मल तरीके से करें। और लेकिन इफ़ इट वर्क्स तो कोई मसला नहीं है। दूसरे के एक और भी काम हो सकता था कि आप एक बूलियन वेरिएबल बना देते, एक उसका कुछ भी ए नाम रख दो या कुछ भी नाम रख दो, वाइल स्टिल गोइंग ऑन, और इधर लगा दो कि जब तक उसमें ट्रू है तब तक करता रहे। यहाँ पर बस सिंपली आके उसमें फॉल्स कर देते और ब्रेक कर देते, तो क्या होता है उसमें फॉल्स आ जाता, ये वाला लूप ब्रेक हो जाता। जब ब्रेक लगता है ना तो सारे लूप से बाहर नहीं आता, जिस लूप के अंदर यूज़ किया सिर्फ उसी से आता है, यहाँ पर आता, और क्योंकि उसकी वैल्यू फॉल्स हो चुकी थी जो वेरिएबल यहाँ पर टेस्ट हो रहा था, तो जब ये दोबारा चलता तो ये भी फिर फॉल्स हो जाता। इंडिकेटर था कि यहाँ अंदर फॉल्स हो गया था, तो वो बाहर वाले भी टूट जाता। मतलब एक मल्टीपल तरीके हैं करने के। अच्छा, ये तो था कि स्पायरल बने तब तक जब तक आपकी स्क्रीन फिल नहीं हो जाती, लेकिन स्पायरल की कितनी स्पेसिंग है, मतलब मैं ज़्यादा स्पेसिंग रख के भी तो स्क्रीन फिल कर ही सकता हूँ ना, कि जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कि जैसे अगर मुझे स्क्रीन फिल करनी थी तो मैं एक यूं यूं वाला स्पायरल भी बना के कर सकता हूँ जो थोड़ा पतला पतला है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे करना है तो मैं एक यूं थोड़ा बड़ा स्पायरल बना के भी उतनी जगह कवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो इसके ये कितने, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन इसके सिर्फ दो हैं। इसको हम कहेंगे आर्म्स, ठीक है, और ये हमें यूज़र प्रोवाइड करेगा कि असल में उसकी डेंसिटी है कि स्पायरल कितना डेंस है, तो हम इसको आर्म कह देंगे। और अब देखें जो आर्म है उसके हिसाब से डेल्टा चेंज हो रहा है। देखिए, इस वाले सवाल में डेल्टा छोटा है, इस वाले में बड़ा है, तो जो
डेल्टा है ना वो डिपेंड करेगा हमारे आर्म पर, कोई फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, और वो हम कैसे क्या लगाएंगे कैसे लगाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। अच्छा तो अभी तो हमारा डेल्टा हार्ड कोडेड है, जो मतलब मैंने बोला था कि जिस पर अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा अब इसमें आर्म्स वाला ये पास कर दूँगा कि जो यूज़र ने बताया कि इतने आर्म्स होने चाहिए, उतनी मतलब आर्म्स एक तरह से डेंसिटी शो करते हैं। तो अब मैंने क्या कर लिया कि डेल्टा है ना मैंने कैलकुलेट करना है आर्म्स पे, तो मैं दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर चलता हूँ और इसी पे कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। चलो आगे ले जाता हूँ। अच्छा अब मेरी स्क्रीन समझें ये है, तो जो मेरा डेल्टा है ना असल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, यह है रोज़ डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, जो कि मैंने एज अ स्टॉपिंग कंडीशन यूज़ किया हुआ था। मैं क्या करता हूँ इसको ना इक्वल जितने आर्म्स हैं ना असल में मुझे कितने इंटरवल्स में पार्टीशन करना है, जितने आर्म्स हैं ठीक है यहाँ तक कितने आर्म्स होने चाहिए, अगर तो उसने तीन बोला हुआ तो मैं तीन हिस्सों में पार्टीशन कर दूंगा, ठीक है, और हर हिस्से के दरमियान जो स्पेस होगी ना वो असल में मेरा डेल्टा है। लेकिन एक और बात है, यह है कि एक सर्कल जब घूमकर वापस आता है, जब एक सर्कल पूरा होता है ना तब कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये वो है, और जो डेल्टा है ना वो डेल्टा है कि एक एंगल के बाद मुझे कितना चेंज करना है, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एंगल के बाद चेंज करूँ, बट वो चेंज ना जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो तो वो उतना हो जाए जितना मैंने एक इंटरवल डिसाइड किया था, और वो इंटरवल मैंने डिवाइड करके किया था, लाइक मुझे पता है कि इतनी लेंथ है और मुझे इसमें इतने इंटरवल चाहिए, तीन चाहिए जो भी, तो बस मैंने उसे डिवाइड कर दिया और एक इंटरवल की लेंथ आ गई, सिंपल मैथ है ये। और लेकिन जो डेल्टा है ना अगर मैं यही वैल्यू डेल्टा में डालूँ तो हर एंगल के बाद इतना ज़्यादा डिस्टेंस डालने लग जाएगा और वो मेरा स्पायरल पता नहीं कहाँ जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि जो डेल्टा है ना जब ये एक 360 रोटेशन कंप्लीट कर ले तब मतलब असल में डेल्टा एक पारी में कितना चले कि वो अपने एंड तक जाकर इतना चल सके, और जो कि सिंपल है मैं इसको भी फर्दर पार्टीशन कर दूंगा और कितने हिस्सों में 360 में, और जो एक हिस्सा होगा ना वो बताएगा कि एक डेल्टा, क्योंकि हर एंगल के बाद चेंज होता है, तो वो ऐसा बताएगा कि एक इंक्रीज के बाद उसने कितना चेंज होना है, कि वो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और फिर एक आर्म के बाद वो उतना चेंज हो जाएगा, और फिर मैंने इसको बताया हुआ कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक तुमने इतने आर्म्स बनाने, ठीक हो गया। तो अब हम इसको कोड कर लेते हैं। पहले तो कि हमने आर्म्स पास करवा दिए, अब जो डेल्टा है ना अब पहले मैंने बताया कि आर्म्स के दरमियान कितना इंटरवल है, तो आर्म्स मतलब एक आर्म से दूसरे दरमियान के दरमियान कितना इंटरवल होगा, तो उसको कहते हैं आर्म इंटरवल, और इसकी जो वैल्यू होगी मैंने आपको बताया था कि जितनी मेरी लेंथ है ना स्क्रीन के एंड तक मतलब मिडल से लेके स्क्रीन के एंड तक कितनी होती है, मैंने पहले भी बताया था रोज़ बाय टू। अच्छा बाय द वे रोज़ बाय टू है ना, रोज़ एक क्या है, रोज़ एक इंटीजर है, ये देखें कि मैंने यहाँ पर रोज़ को इंटीजर बनाया हुआ है, कंपाइलर ये करता है कि बस वहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, यहाँ पर असल में 86 लिखा हुआ है उसके लिए जब वो कोड कंपाइल कर रहा होता है। तो ये तो अब एक सेकेंड, हाँ तो मैं बस आपको ये बता रहा कि आप ये इंटीजर ये जो वैल्यूट होगा इसका आंसर भी इंटीजर में बनेगा, तो अगर यहाँ पे कोई इस तरह की वैल्यू होती है, यहाँ पे समझो टू नहीं होता, यहाँ पे कोई थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है कि आंसर 0.7 वगैरह आना होता तो वो 0 हो जाता, तो इसका आपने बस ध्यान रखना है। और हम क्या करते हैं कि ये हमारी लेंथ के ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हमने पार्टीशन करने कितने इक्वल इंटरवल्स में, एक इंटरवल की लेंथ हम असल में निकाल रहे हैं, तो कितने इंटरवल्स में हमें पार्टीशन करना है जितने यूज़र ने हमें बताए हैं आर्म्स इंटरवल बताए हैं उसने, तो मैंने इसको आर्म्स इंटरवल में कर लिया। लेकिन मैं काम करता हूँ इसको ना 2.0 करूँ जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि अगर ये भी इंटीजर में हुआ ये भी इंटीजर में हुआ और कोई ऐसा मसला हुआ आर्म इंटरवल मेरा गलती से ज़ीरो ना कैलकुलेट हो जाए, चाहता हूँ कि 0.1 अगर उसने होना कैलकुलेट उसने बहुत ज़्यादा आर्म्स दिए हो तो ज़ीरो ना हो जाए, तो मैंने इसको 2.0 कर दिया। उससे क्या होगा एक्सप्रेशन में एक आइटम जब फ्लोट हो गया ना तो एक्सप्रेशन फ्लोट में वैल्यूट होगी, ये वाली फ्लोट में वैल्यूट होगी एक्सप्रेशन, अब ये बड़ी वाली एक्सप्रेशन है इसमें भी एक आइटम फ्लोट हो गया तो ये भी फ्लोट में होगी, और हाँ फिर इधर भी मुझे जो स्टोर करवाने भी मुझे फ्लोट में करवाना होगा। उसके बाद जो डेल्टा है वो डेल्टा आर्म इंटरवल, असल में जब डेल्टा 360 दफ़ा होता है तो एक आर्म इंटरवल पूरा होता है, तो एक डेल्टा
ने कितना इंक्रीज़ देना है कि वो 360 एंगल के बाद आर्म इंटरवल हो जाए, जो कि सिंपल है, आर्म इंटरवल डिवाइड बाय 360, ठीक हो गया। और अब क्या करना है, हाँ मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि बाकी कोड तो वैसे रहना, बस हम आर्म और डेल्टा को उस तरह से अपडेट कर रहे हैं। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, और इधर मैंने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया था, वैसे तो मैंने 6 आर्म से टेस्ट किया था, तो मैं भी आपको 6 आर्म्स पे दिखा देता हूँ। ये है, ये मैंने रन किया और कितने आर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 30 कर देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, हाँ ये ज़्यादा हो गया, वैसे ही काफ़ी अच्छी फ़ुटबॉल बन गई है फीफा की नई फुटबॉल। अच्छा थोड़ा कम कर देता हूँ, 20, 20 भी ज़्यादा ना हो जाए, चलो ये एक और फुटबॉल है, मैं थोड़ी डेंस दिखाना चाह रहा हूँ, बस ज़्यादा डेंस ना हो, हाँ ये ठीक है। तो देखिए इसमें 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं टोटल आर्म्स। अच्छा एक चीज़ जो कि मैं पहले कर रहा हूँ भूल गया था, सिंपल है मतलब, लेकिन ये कि जब सर्कल प्रिंट हो रहा होता है ना, तो मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ, मैं पोलर वाला यूज़ कर लेता हूँ, कि पोलर वाला थोड़ा तेज़ है और एमी बस। और मैं क्या करता हूँ कि सर्कल प्रिंट करते हुए ना, वो मतलब स्लोली प्रिंट करे थोड़ा, कि मुझे दिखे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्लीप लगा देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, बस ठीक है इसको रन करता हूँ, ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज प्रिंट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको अगर क्लॉकवाइज प्रिंट होना हो तो हम किस तरह से करेंगे, और इसकी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी एंटी क्लॉकवाइज प्रिंट क्यों हो रहा है। असल में होता क्या कि हमारा जो ग्राफ है ना, उसमें यहाँ पे एक्स इंक्रीज़ होता रहता है, और अगर हम इस तरफ जाएं तो डिक्रीज़ होता है, और वाई अगर हम इस तरफ जाएं तो इंक्रीज़ होता है, और इस तरफ जाएं तो डिक्रीज़ होता है। तो अब हमारे कंसोल में पता क्या, जो उसके कोऑर्डिनेट्स है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है, और ये वाला आर सी है रो कॉलम। अच्छा तो अब हो क्या रहे कि जैसे मैं नीचे जाता हूँ ना, तो ये रो 1 है, ये 2 होगी, ये 3 4 5 6 7 8 टिल आर, तो असल में जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो रो डिक्रीज़ हो रही है, बट इधर जैसे अगर 7 लिखा हुआ है तो इधर 6 आएगा, 5 आएगा, असल में जो ग्राफ है ना उसमें नीचे जाते हुए वाई डिक्रीज़ होता है, और मेरे कंसोल में इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो एक्स है ना वो राइट साइड में इंक्रीज़ होता है, और जो कि मेरे कंसोल में भी ऐसे ही है, तो इसलिए वो मुझे इशू नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसका इशू है, और उसकी वजह से वो यूं ड्रॉ होता है बजाय यूं ड्रॉ होने के, दोनों ठीक हैं, लेकिन मैं बस हम आपको इनसाइट देना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वंस आप प्लॉटिंग करेंगे ना, आप कोई तरह का फंक्शन बनाएंगे कोई भी कर्व सी, तो वो फिर उल्टी ड्रॉ होने लग जाएगी, कुछ इस तरह का मसला होगा, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है। वैसे इसका सिंपल जो मोस्ट एलिगेंट सॉल्यूशन है ना, आप ग्राफ को मॉडल कर लें, बजाय कि आप वाई को स्टार्ट करें अपना 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके R तक, आप उसको -50 या जो भी से लेके +50 तक कर लें अपने लूप को, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा जो रो कॉलम को आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, आपको उसमें ऑफसेट लगाना होगा कि ये ओरिजिन के रिलेटिव -50 है, ओरिजिन के रिलेटिव वाई है, तो हाँ मतलब ये भी ठीक है, बट आपको अपने गो टू रो कॉलम, क्योंकि गो टू रो कॉलम तो नहीं कोई नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ना, उस नेगेटिव वैल्यू को आपने गो टू रो कॉलम को पास करते हुए शिफ्ट करना होगा, ठीक है, ये शिफ्टिंग के लिए आपने उसमें कुछ ऑफसेट ऐड करना होगा जो कि 50 होगा। खैर तो ये है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको करने का तरीका दूसरा क्या है। अच्छा सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है,
अब जब एक सर्कल एंटी क्लॉकवाइज प्रिंट होता है तो असल में उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, अब जो मैग्नीट्यूड होता है जब वो एक नंबर का इंक्रीज़ होता है तो वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। अब जैसे मैं 50 से 51 जाता हूँ तो ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मैं नेगेटिव नंबर्स के बारे में ये सेम चीज़ नहीं कह सकता। नेगेटिव नंबर अगर मैं -50 से -51 जाता हूँ तो ये डिक्रीज़ होता है। तो अब जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है ना, उसमें क्या होता है, जब मैं नीचे जा रहा होता हूँ तो असल में मेरा रो इंक्रीज़ हो रहा होता है, अगर मैं क्या चाहता हूँ जब वो क्लॉकवाइज करे तो असल में रो डिक्रीज़ हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा ये है कि जो ये टर्म है ना, ये तो मेरा ऑफसेट है, तो मेरा सेंटर का है, मैंने इसको नहीं छेड़ना वरना मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा, मेरा ये वाई नेगेटिव हो जाएगा, गो टू रो कॉलम को वो मिल जाएगा, सारा मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, असल में जो ये वाली टर्म है ना, इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो ये क्या, मैं इसके अराउंड ब्रैकेट डालूँ और -1 से मल्टीप्लाई करूँ, जो कि सरफराज ने किया था, ठीक है, या तो मैं बस सिंपल इधर एक माइनस जोड़ सकता हूँ। तो अब ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई, -1 से मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या होगा कि जब ये वाला इंक्रीज़ हो रहा होगा ना सर, मैं ये इंक्रीजिंग नंबर दे रहा होता है तभी वो यूँ नीचे को जा रहा होता है। और अब क्या होगा कि ये नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो एक्चुअल में मेरा रो डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो ये यूँ क्लॉकवाइज होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने किया और एक क्लॉकवाइज ड्रॉ हो गया। और मेरे ख्याल से लेक्चर में इतनी ही चीज़ें थी, एक और चीज़ रहती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ड्राइंग्स देख के सरफराज ने सोचना है कि पता नहीं क्या कहानी बना रहा था। खैर, एक सवाल है, मतलब सरफराज ने बोला था पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर्मेट, तो एक मैट्रिक्स हो गया आपके पास, सॉरी एक मैट्रिक्स हो गया आपके पास 4x4, परफेक्ट होगी, मतलब n/n होगी, या जितनी भी इसकी डायमेंशन है, या 4x4 वट एवर। तो अब क्या होगा, उसमें आपको यू नंबर्स रखवाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, मैं एक ब्रेक के बाद आया, अमीर ने बोला था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना लो वरना अजीब सी दिखेगी, तो मैं कोशिश करता हूँ ये स्क्वायर ही हो, स्क्वायर इनफ, और 4x4 की कर लेता हूँ, वैसे किसी की भी हो सकती है बट 4x4 एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एंड बीच बीच में जाके सही से लगती है। तो मैं ये कर लेता हूँ कि ओ यस, मैं बचपन से करता आ रहा हूँ कि इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करता। खैर, इसके भी 4 कर देता हूँ। अच्छा, इधर 1 है, 2 3 4 5 6, ये देखें आप किस उसमें जा रहे हैं, ठीक है, 7 8 9, तो ये भी असल में स्पायरल ट्रेवर्स, मतलब स्पायरल ही ना मेट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, 11 12। अब क्या होगा, अब ये एक लेयर पूरी हो गया, जो अंदर वाली लेयर है वो शुरू हो गई है, और उसमें दोबारा से ये होगा 1 2 3 4, और ये ख़त्म हो गया, मतलब आउटर वाली जो रिंग है ना वो 1 से लेके जितना जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएगी, और ये भी इस तरह से, ये आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी होंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं किसी रिंग को दे सकता हूँ कि इस रिंग को शिफ्ट कर दो। अब क्या होगा कि यूज़र आपको बोलेगा, बल्कि यूज़र ना बोले, चलो आप, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन करना क्या कि इसको ना एक शिफ्ट कर देना है, लाइक ये 1 है ना तो इधर 1 हो जाए, इधर 2 आ जाए, इधर 3 आ जाए, और फिर इधर ये जो 4th है किधर चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, ये 7 एक पुश हो जाएगा, इस तरह से सारे एक एक आगे पुश हो जाएंगे, और 12 कहाँ पुश होगा, क्योंकि 1 आगे चला गया था तो 12 असल में पुश होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एक तरह से यूँ यूँ रोटेट हो गए, यूँ एक एक ना, मतलब एक एक आगे हो गए, और वही साइकिल हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, या जो भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज इनिशियली, लेकिन जो ये वाला ना ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक ये एंटी ये क्लॉकवाइज हुआ था तो ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो। तो इसमें क्या हो कि ये 1 यहाँ पर चले जाए, यहाँ पर असल में 1 आ जाए, ये 4 यहाँ पर चले जाए, और ये जो 3 है यहाँ पर आ जाए, और ये 2 यहाँ पर आ जाए। तो ये मिड में क्वेश्चन आ सकता है, सरफराज बोलता है पोटेंशियल क्वेश्चन, तो लैब में हो गया मेरे ख्याल से, पेपर पे करना तो मुश्किल है। तो बस ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने 2 डे रेस की प्रैक्टिस वगैरह सही से करनी है। बाकी लेक्चर मेरे ख्याल से पूरा हो गया है, फिर
फिर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ओ शिट कीबोर्ड शॉर्टकट ही तेरे, सॉरी।